Now, in decimal chapter, the question is compare the decimals. Now, the decimals का comparison हम लोग देखेंगे अभी. Decimals का comparison कैसे करते हैं वो देखिए. We have two decimal numbers and we have to put the sign here less than or greater than. So, सबसे पहले आप whole part को compare करेंगे. अगर होल पार्ट से ही कंपैरिजन हो जाता है तो आपको डेसिमल पार्ट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर होल पार्ट सेम है किसी नंबर में तो फिर आपको डेसिमल पार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा. जैसे आप यहां देखिए, आप सबसे पहले जब दोनों नंबर्स में होल पार्ट देखेंगे तो इसका होल पार्ट है 78 और इसका होल पार्ट है 69. सो इट इज ऑब्वियस दैट 78 इज ग्रेटर देन 69. तो अब आपको डेसिमल पार्ट कंपेयर करने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली इसको 78.23 को ग्रेटर बता देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आप देखेंगे कि यहाँ डेसिमल पार्ट जो है वो सॉरी यहाँ जो होल पार्ट है उस होल वो होल पार्ट 3 है, यहाँ पर भी होल पार्ट 3 है, तो अब आप डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे. सो अब आप जब डेसिमल पार्ट पर जाएंगे तो आप फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, अभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता. जब आप यहाँ पर डेसिमल प्लेस की सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 6 है, तो ग्रेटर कौन है? 6. दैट्स व्हाई यू विल पुट लेस देन साइन हियर. नेक्स्ट होल पार्ट 5 है, यहाँ भी होल पार्ट 5 है, इसलिए होल पार्ट से कंपैरिजन नहीं हो सकता. अब आप डेसिमल पार्ट में आएंगे, डेसिमल पार्ट की फर्स्ट डिजिट यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, अभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता. यहाँ सेकंड डिजिट 8 है, यहाँ पर भी सेकंड डिजिट 8 है, अभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता. फिर आप देखेंगे यहाँ पर 6 है और यहाँ कोई डिजिट नहीं है, और जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होती है लास्ट में, तो आप अपनी तरफ से लास्ट में 0 लगा सकते हैं. ठीक है, सो आप क्या करेंगे फिर, अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे. यहाँ 14 है, यहाँ फिर से होल पार्ट 14 है और 14 है, इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता. फिर आप डेसिमल पार्ट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, कंपैरिजन नहीं हो सकता. यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है? 0 है, तो ये ऑलरेडी 5 ग्रेटर है, इसलिए आप यहां पर ग्रेटर का साइन पुट कर देंगे. आप हमेशा डेसिमल नंबर्स में ध्यान दीजिएगा, डेसिमल नंबर्स में जब आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 14.05 लिखते हैं आप, तो इस 14.05 में इस आपको पता है कि जो होल पार्ट होता है उस होल पार्ट में आप पहले कितने भी जीरो लगा दें उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है, आप 14 को, आप अगर इसको अभी पॉइंट को भूल जाएं और सिर्फ होल पार्ट की बात करें, तो 14 के पहले हम कितने भी जीरो लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 14 ही रहेगा. ठीक है, वैसे ही जो डेसिमल पार्ट होता है उस डेसिमल पार्ट में लास्ट में हम कितने भी जीरो लगा दें उस डेसिमल नंबर पर या उस डेसिमल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस ये जीरो आप यहाँ बीच में कहीं पुट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ लास्ट में ही पुट करना है, तब उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर चेंज नहीं होगा. अदरवाइज आप अगर ये जीरो बीच में कहीं पुट कर देंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज 14.5, 14.05, 14.005, 14.0005. ये सारे नंबर्स अलग अलग हैं, ये सेम नंबर्स नहीं है. ठीक है, आप ध्यान रखिएगा. नाउ अब जब हमने कंपैरिजन करना सीख लिया है, सो कंपैरिजन करने के बाद हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी जब आपने ऊपर कंपैरिजन किया क्वेश्चंस में तो आपने देखा कि डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो सेम होने चाहिए कंपैरिजन के लिए, तब आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं.
सो सबसे पहली स्टेप में जब अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, जब ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं और आपको इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू मेक द ऑल डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स. आप सबसे पहले तो सभी को लाइक डेसिमल्स बना लीजिए. तो लाइक डेसिमल्स आप कैसे बनाएंगे, आप देखिए सभी में कि हाईएस्ट डेसिमल प्लेस कितना है. यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन टू थ्री है, यहाँ पर टू है, यहाँ वन है और यहाँ वन टू थ्री है. मीन्स हाईएस्ट डेसिमल है थ्री. तो आप सभी को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दीजिए. तो लाइक डेसिमल्स हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप 2.2. मैंने अभी आपको बताया था कि आप लास्ट में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आप यहां पर दो जीरो आप बढ़ा दीजिए क्योंकि आपको लाइक डेसिमल बनाना है. फिर आप देखिए 2.202, देन 2.020, देन 22.200, देन 2.002. ओके, अब आप देखिए इस स्टेप में सभी नंबर्स लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सभी पर 3-3 डिजिट्स हैं. ठीक है, अब आप कंपैरिजन करना शुरू कीजिए और रिप्रेजेंट कीजिए. आप पहले देखेंगे सभी नंबर्स में जो होल पार्ट है वो होल पार्ट इन चारों नंबर्स का सेम है, सिर्फ यहां पर होल पार्ट क्या है 22 है, यहां सब जगह 2 है और यहां 22 है. इट मींस ये सबसे बड़ा नंबर है. तो आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स हैं हमारे पास. तो आप यहां ऊपर लिख दीजिए कि ये फिफ्थ पोजीशन पर आएगा. ठीक है, अब आप बाकी नंबर्स को देखिए. अब आप होल पार्ट में आ जाइए. यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 0 है और यहां 0 है. इट मींस हमें सबसे छोटे नंबर्स चाहिए, तो सबसे छोटे नंबर्स ये दो नंबर्स हैं. ओके, अब इन दोनों नंबर्स को कंपैरिजन कीजिए. यहां 0-0 से तो कंपैरिजन नहीं होगा. फिर यहां देखिए, यहां 2 है और यहां 0 है, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ, 2.002. आप इस पर 1 नंबर डाल दीजिए, इस पर 2 नंबर डाल दीजिए. ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स पर आ जाइए. हमें यहां कंपैरिजन करना है थर्ड पोजीशन के लिए. सो, यहां पर पॉइंट के बाद यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 0 है, यहां 0 है, कंपैरिजन नहीं हो सकता. यहां 0 है और यहां 2 है तो कंपैरिजन हो सकता है. तो ये ग्रेटर नंबर हो गया और ये स्मॉलर नंबर हो गया. सो ये नंबर हो जाएगा थर्ड पोजीशन पर और ये नंबर हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पर. ओके, अब आप लिख दीजिए इन्हें फाइनल आंसर. सो फाइनल आंसर होगा 2.002 दिस वन, देन सेकंड 2.020, देन द थर्ड वन 2.200, देन फोर्थ वन 2.202, देन फिफ्थ वन 22.200. ओके, ये हमारा सारे नंबर्स अरेंज हो चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव 5 नंबर्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक देम लाइक डेसिमल्स. सो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कीजिए. उसके लिए पहले चेक कीजिए कि हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस कितना है. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, हाईएस्ट डेसिमल प्लेस है 2. सो आप सभी को 2 डेसिमल प्लेस में लिख दीजिए. तो ये हो जाएगा 6.84, 6.48, 6.80, 6.40 एंड 6.08. नाउ कंपेयर ऑल द नंबर्स.
अब आप स्टार्टिंग से कंपैरिजन कीजिए, जो होल पार्ट है वो 6 6 6 6 6, सभी के होल पार्ट सेम है, मीन्स आप होल पार्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपको डेसिमल पार्ट से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब आप डेसिमल पार्ट पर आ जाइए, यहां है 8, यहां है 4, यहां है 8, यहां है 4 और यहां है 0, मीन्स सबसे स्मॉलर नंबर हुआ 0 वाला, इसको फर्स्ट पोजीशन दे दीजिए। फिर आप देखिए इन दोनों नंबर्स में तो 8 है और यहां 4 है, इट मीन्स अब आप इन दोनों नंबर्स को ले लीजिए सेकेंड और थर्ड पोजीशन के लिए, कंपैरिजन कीजिए कि सेकेंड पोजीशन पे कौन आएगा। तो दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा इन दोनों में से वो सेकेंड पोजीशन पर आएगा। सो यहां 4 4 तो सेम है बट यहां 8 है और यहां 0 है, इट मीन्स ये सेकेंड पोजीशन पे हो जाएगा और ये थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। अब आप इन दोनों नंबर्स जो रिमेनिंग है इनको देखिए फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के लिए, यहां पर है पॉइंट के बाद 8, यहां है पॉइंट के बाद 8, यहां है 4 और यहां है 0, सो स्मॉलर नंबर हुआ 6.80 और ग्रेटर नंबर हुआ 6.84। अब आपने पोजीशन सेट कर लिए, अब आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। सो द फर्स्ट वन 6.08, देन सेकेंड वन 6.40, देन द थर्ड वन 6.48, देन फोर्थ पोजीशन 6.80 एंड देन 6.84। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। द नेक्स्ट वन, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर अगर अच्छे से समझ में आया है, सो नाउ यू आर एबल टू रिप्रेजेंट द नंबर्स और अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू। सो कैसे करेंगे आप, फर्स्ट स्टेप आपको पता है, सबसे पहले आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दोगे। सो 1 1 2 1 2 1 2 3 एंड 1, सो हाईएस्ट डेसिमल प्लेस है 3, तो आप इसको लाइक डेसिमल्स में बदल दीजिए। सो 2.600 2.260 2.060 2.007 एंड 2.300 सॉरी 2.300। ये लाइक डेसिमल्स में आ चुके हैं, अब इन्हें कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपैरिजन करोगे तो इन सभी के होल पार्ट सेम है, सो हमें डेसिमल पार्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, और जब आप डेसिमल पार्ट से कंपेयर करोगे तो देखिए यहां पर 6 2 0 0 3, और क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है इसलिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, और ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो ग्रेटेस्ट डिजिट जो है डेसिमल प्लेस वाली फर्स्ट पोजीशन पे वो है 6। देखिए यहां पर, यहां 6 है, यहां 2 है, यहां 0 है, यहां 0 है और यहां 3 है, सो हाईएस्ट 6 हुआ इसलिए इसे फर्स्ट पोजीशन दे दीजिए। अब बाकी नंबर्स को आप देखिए, यहां 2 है, यहां 0 है, यहां 0 है और यहां 3 है, इट मीन्स इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 0.3, सो इसको सेकंड पोजीशन दे दीजिए। फिर 0.2, इसको थर्ड पोजीशन दे दीजिए। अब यहां पॉइंट के बाद यहां भी 0 है और यहां भी 0 है, इसलिए दोनों को पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट डेसिमल प्लेस से तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब आप सेकंड पोजीशन देखिए, यहां 6 है और यहां 0 है, तो ग्रेटर कौन हुआ, 6, इट मींस ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, अब आप इन्हें अरेंज कर दीजिए। सो 2.600 देन 2.300 देन 2.260 देन 2.060 एंड 2.007। ओके, वन मोर क्वेश्चन विल डिस्कस।
नाउ 1, 2, 3, 4, 5 फाइव नंबर्स फर्स्ट विल रिप्रेजेंट इन लाइक डेसिमल्स 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 हाइयर डेसिमल प्लेस 2 सो 5.50 0.50 5.05 0.05 एंड 5.55 कंपैरिजन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है मींस हाईएस्ट नंबर चाहिए यहां पर 5, 0, 5, 0, 5 इट मींस कि ये 0 पॉइंट और 0 पॉइंट वाले ये दोनों नंबर स्मॉलेस्ट है मतलब ये फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे जाएंगे और हमें फर्स्ट पोजीशन के लिए 1, 2 और 3 इन तीनों नंबर को कंपैरिजन करना पड़ेगा तो अब देखिए आप पॉइंट के बाद देखिए यहां पर 5 है यहां पर 0 है और यहां पर 5 है मींस ये नंबर भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर नहीं आएगा अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए हमें इन दोनों नंबर्स को कंपैरिजन करना पड़ेगा सो अब सेकंड डेसिमल प्लेस को कंपेयर करेंगे ये 0 है और ये 5 है इट मींस ये ग्रेटेस्ट नंबर हुआ सो ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन हुआ अब फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के लिए कंपैरिजन करेंगे सो हमें इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए सो पॉइंट के बाद यहां 5 है और यहां 0 है इट मींस ग्रेटर कौन हुआ 0.5 सो इट विल बी फोर्थ एंड इट विल बी फिफ्थ ओके लिख दीजिए 5.55 5.50 5.05 0.50 and 0.05 ठीक है ये आपका अरेंजमेंट हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर डेसिमल नंबर्स का ठीक है अब आप देखिए एक क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स डेसिमल्स का यूज करके और आपको रुपीज के फॉर्म में लिखना है अब रुपीज के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले जब रुपीज के फॉर्म में लिखना होता है तो आपके पास जो वैल्यू है वो पैसे के फॉर्म में होनी चाहिए आप देखिए यहां पर 8 पैसे और जब 1 रुपीज इज इक्वल टू सिंस 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है इसलिए जब रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तो डायरेक्ट जो भी वैल्यू पैसे में है उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे ठीक है 100 से डिवाइड कर दोगे और आपको पता है अभी पहले अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन कि जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो पॉइंट कैसे शिफ्ट होता है अगर यह वैल्यू है 8 और यहां पर है 20 तो आपको 1 और 2 प्लेस के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा यानी यहां पर कुछ नहीं है मतलब 0 लग जाएगा ठीक है मैं फिर से आपको बता देता हूं यहां पर 8 है सिंपल और जब डेसिमल पॉइंट कहीं भी हमें नहीं दिखता है इट मींस डेसिमल पॉइंट कहां होता है लास्ट में होता है ये 8 है डेसिमल पॉइंट अभी कहां है यहां लास्ट में है और आपको यहां पर डिवाइड करना है 100 से मतलब आपको 2 प्लेस पहले शिफ्ट करना पड़ेगा 1 और 2 2 प्लेस पहले पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा तो अभी यहां पर 1 प्लेस तो है और ये सेकंड प्लेस पर कुछ भी नहीं है मतलब हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.08 ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए 9 रुपीज 75 पैसे अब सबसे पहले अभी मैंने बताया कि जो भी वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है उसमें आप वो पहले पैसे में कन्वर्ट होनी चाहिए अब यहां पर 75 पैसे तो है बट यहां 9 रुपीज है तो सबसे पहले आप इस 9 रुपीज को भी पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए सो ये हो जाएगा 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है सो 9 रुपीज इज इक्वल टू
900 पैसे हो जाएंगे, और इन 900 पैसे में 75 पैसे प्लस हो जाएंगे, सो 579। सो आप इस 9 रुपीज 75 पैसे की जगह पर क्वेश्चन हो जाएगा 975 पैसे। ओके, सो अब आपका क्वेश्चन इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन चुका है। अब आप उसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, आप सॉरी यहां पर आपको, क्योंकि हमने इसको रुपीज में रिप्रेजेंट किया है इसलिए आपको यहां पर रुपीज का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहां पर 975/100 और आप रुपीज का साइन लगा दोगे, सो फिर से डेसिमल पॉइंट चेंज होगा। सो 975 है अभी, पॉइंट कहाँ है? लास्ट में है। अगर हमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, हमें नहीं दिख रहा है उस नंबर में, और वो नंबर होल नंबर है, तो उस होल नंबर में डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में होता है। सो आप जब इसे शिफ्ट करेंगे तो 1 और 2 प्लेस पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 9 और 7 के बीच में। सो हमारा आंसर हो जाएगा 9.75। ओके,